ये देसी गाय है, गंगा किनारे की ये सब गाय उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलती है। और ये गाय हम रखे हैं सेवा करने के लिए, इसका सेवा करने के लिए, इससे कोई लाभ नहीं चाहिए हमको, इसका सेवा करना है। और हिंदू धर्म के हिसाब से इसके दूध, इसके घी या इसके मूत्र, इसके गोबर जो भी है सब भगवान के काम में आता है, और भगवान का पूजा पाठ करने के लिए सब, मतलब क्या बोला जाए, इसको पूजा के लिए, इसका पूजा करने के लिए, इसके दूध से पूजा, इसके पेशाब से पूजा, इसके गोबर से पूजा, जो है सब पूजा करना है, इसका पूजा करना है, और इस यही है, इसका सेवा करेंगे। सर ये तो धीरे धीरे अब देसी नस्ल पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये नस्ल जो है गंगा तीरी जो नस्ल है धीरे धीरे विलुप्त तो होने के कगार पर चली गई है। अगर इस गाय पर जो है अगर ब्रीडिंग पर अच्छा से ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, तो इस तरह की गायों को जो है हम ब्रीडिंग करके उसको दूध में हम सुधार ला सकते हैं, और ये गाय भी 4 से 5 लीटर तक माने एक टाइम का दूध, 4 से 5 लीटर तो ये करेगी, 4 से 5 लीटर ये दूध करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, रही बात कि 4 से 5 लीटर दूध करने से थोड़ा मतलब घाटा का सौदा होता है, ये जो धंधा करने के लिए नहीं होगा, बिजनेस में आदमी ये हो जाएगा, लेकिन ये खाने के लिए इसका, ये समझिए इसका ही दूध अमृत है, जो अमृत बोला जाता है दूध, वो इसी गाय का दूध अमृत होता है। और क्या बोले, ये गाय पूजा पाठ के लिए, हाथ सहलाने के, मतलब जो करिए इससे लाभ ही लाभ है, केवल लाभ है। और ये हमारे खटाल का जो भी है, इसी को गार्जियन मानते हैं धर्म के हिसाब से, लक्ष्मी का रूप है ये जी। और हम यही मान के करते हैं, माने तो देव नहीं तो पत्थर, तो फिर ये लक्ष्मी का रूप मानते हैं। और यही गाय आई पहला, यही बाछी आई पहला, बाछी लेके आए, खरीद के लेके आए थे, और ये अब गाय होने वाली है, इसका इसको आजीवन पूजा करना है, इसका इसको पूजा के लिए रखेंगे, इसका यही अंत करेंगे। कितने साल की हो गई सर? अभी 2 साल की हुई है, 1-1.5 महीना में बच्चा देगी, 1.5 महीना में बच्चा दे देगी। हाँ, इसको जो है कैसे जो है किए थे? वही पाल दिलवाए थे, पाल डॉक्टर, हाँ डॉक्टर से, ना ना डॉक्टर से पाल दिलवाए थे। तो कौन से इसमें ब्रीड? अब ये तो हमको लग रहा है कि वो डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर को यहाँ पर पता नहीं है कि कौन सा पाल दे रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये काफ़ी जो है सुंदर बछिया है सर, अगर इस पर जो है गंगा तीरी नस्ल, अगर देसी नस्ल से अगर इसका ब्रीडिंग किया जाए तो इससे काफ़ी जो है अच्छा जो है हम तो यहाँ पे अच्छा कोई बाछी जो है तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कोई व्यवस्था है नहीं, व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, शायद भविष्य में हो जाए, तो उसको आगे तो करना ही है। एक गाय भी देसी गाय जो है हर घर में अगर पाला जाए तो हमें आशा है कि इस तरह की गायों को हम जो है विलुप्त होने से बचा सकते हैं जी। क्योंकि ये गाय पहले जो आज से 10-12 साल पहले जो है ये गाय जो है हर घर में एक गाय इस तरह की देसी नस्ल की गाय जो है मिल जाएगा जी, जी। लेकिन आज जो है 10 गांव घूमिएगा तो कहीं जो है जाकर के एक इस तरह कहीं की गाय कहीं पूजा पाठ करना होता है तो देसी गाय का गोबर आदमी खोजता है, पहले पंडित जी लोग खोजेगा, देसी गाय का मूत्र का जरूरत पड़ता है, देसी गाय के दूध का जरूरत पड़ता है, देसी गाय का दही, देसी ये अमृत पूरा, ये अमृत है, ये है अब, ये अमृत है, यही लक्ष्मी है। और इसका दूध जो है कई सारे लोग रोगों में जो है काम हाँ, हाँ, भी करता है, पूरा पूरा दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत, बीमारी होगा ही नहीं अगर इसका सेवा करिए, इसका दूध सेवन करिए तो बीमारी होगा ही नहीं, 100% है। 1-1.5 साल हो गया हम बीमार नहीं पड़े हैं, जब से ये गौशाला खटाल चला रहे हैं बीमार नहीं पड़े हैं। तो इस गाय को आप रखिएगा कि ना रखना है, पूरा जीवन इसका, इसको ये तो पूजा पूरा जीवन हाँ पूजा कर, इसका पूजा करते हैं।